नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का, जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। रोज़ ही हम मिलते हैं और कुछ सुंदर सुंदर बातें करते हैं मित्रों, क्योंकि सुबह जो बातें सुन ली जाती हैं वो बातें सारे दिन हमें याद भी रहती हैं, प्रेरित करती रहती हैं कि हम कुछ ऐसा ही करें। एक प्रसंग से शुरुआत कर रहा हूँ। एक महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। एक गांव के नज़दीक पहुंचे, देखा बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए हैं। एक शिष्य ने पूछा, महाराज ये छोटे छोटे गड्ढे क्यों खुदे हुए हैं, कारण क्या है? महात्मा जी ने कहा कि शायद कोई पानी की तलाश में था, लेकिन थोड़े थोड़े गड्ढे खोदने के बाद अपनी धैर्यता खो देता था और दूसरी जगह गड्ढे करने लग जाता था। यदि वो व्यक्ति थोड़ा धैर्यचित होकर एक ही स्थान पे गड्ढे करता तो उसे पानी ज़रूर प्राप्त हो जाता। मित्रों, सचमुच कितनी प्रेरक सी बात है ना। कई बार हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और अपनी धैर्यता खो देते हैं कि इसमें तो कुछ सफलता दिखाई नहीं दे रही है, काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और हम किसी और कार्य में और कार्य में और कार्य में लगते चले जाते हैं। फलता हमें सफलता नहीं मिल पाती। ज़रूरत है मन में धीरज की, और यही है आज का सुंदर सुवाक्य। नमस्कार। धैर्य जीवन के लक्ष्य के द्वार खोल देता है। धैर्यता के बिना किसी भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। पेशेंस इज पावर। पेशेंस इज द पावर to open the door of our life mission. हम अपने जीवन के अंदर लक्ष्य रखते हैं। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ जीवन में लक्ष्य रखता है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो प्रगति हो, या जीवन में मधुरता हो। इन सभी लक्ष्यों में उसे आवश्यकता है तो धैर्यता की। अगर धैर्यता नहीं है तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में समय के अनुसार वेट एंड वॉच भी जीवन के अंदर रखनी आवश्यक है। कभी कभी जो हम करते हैं उसका परिणाम आज नहीं निकलता है, लेकिन बाद में ज़रूर मिल जाता है। इसीलिए आज से हम ये सोचें कि हमें अपने जीवन के अंदर धैर्यवान बने रहना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। मित्रों, किसी ने कहा है कि क्रोध के समय किया गया एक पल का धैर्य हमें दुखों के हजारों पलों से बचा लेता है। सुंदर सी बात है ना। यदि धीरज हमने रख लिया ऐसे उतार चढ़ाव के समय पे, तो हम जो भविष्य कई बार अंधकारमय हो जाता है, दुखमय हो जाता है, उससे बच सकते हैं। तो कितने काम का है ये धैर्य। इसीलिए कहा भी गया है शायद कि सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ा हम सब्र धरें। कई बार मित्रों, जब हम समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तब यदि सामने से कोई व्यक्ति हमें अपमानित कर रहा हो, ऐसे समय पे यदि थोड़ा धीरज रख लिया जाए तो स्थितियां कुछ और हो सकती हैं। लेकिन कई बार ये हो नहीं पाता। ऐसे समय पे क्या क्या हम कर सकते हैं, आज आपकी सेहत आपके हाथ में, इसी की सुंदर बात। नमस्कार। वर्तमान समय जीवन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है, लोगों की मानसिकता भी ऐसी हो गई है कि दूसरों को नीचा दिखाने में उनको आनंद आता है। आप देखना, हर व्यक्ति कभी ना कभी, आप किसी भी क्षेत्र में हो, ऐसी परिस्थिति जरूर आएगी कि कोई आपका अपमान करे, कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। तो अब इसी परिस्थिति में मन का संतुलन बनाए रखना है, मन को शांत रखना है। तो सबसे पहले तो अगर उसमें थोड़ा सा भी सत्य है तो उसे स्वीकार करो।
क्योंकि अधिकतर सत्य होता है बल 0.1%, नीचा दिखाने वाला वो 0.1% को 100% कर देता है। वो 0.1% को आप एक्सेप्ट करेंगे तो अपने आप में चेंज आएगा। दूसरी बात है कि यह सोचो कि वो आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। जो आपको नीचा दिखा रहा है उस समय आप स्टेबल रहेंगे, पीसफुल रहेंगे तो और आप स्ट्रांग बनेंगे। और तीसरी बात, इतनी अच्छी नहीं है परंतु सचमुच काम करती है और यह सत्य भी है वास्तव में, कि जिनका भी ऐसा व्यक्तित्व है, मनोविज्ञान भी यह कहता है कि उनमें कुछ तो मन में विकृति है, कहेंगे कि वो नॉर्मल नहीं है। तो देखो, कोई पागल व्यक्ति आपको गाली दे तो गुस्सा नहीं आता है, चाहे वो पागल नहीं है, परंतु यह सोचो कि कुछ न कुछ तो उसके अंदर एबनॉर्मैलिटीज है जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। तो मैं दुखी हूं, उसके बदले मुझे उसके ऊपर रहम आए। ओम शांति। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उनका जीवन है जो औरों के लिए जिए। वैसे ये पंक्तियां सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं और हम दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन यदि हम इसे करके देखें तो सचमुच जो आत्मसंतोष मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो अंदर का एक आनंद मिलता है, वो अवर्णनीय है। उसे शब्द का एक जामा नहीं पहनाया जा सकता। और जिन्होंने ये किया है वो स्वयं भी इस चीज़ को साझा करते हैं। सचमुच समाज की सेवा करना, औरों की सेवा करना एक गहन और सुंदर अनुभूति की ओर हमें ले जाता है, एक ऐसे प्रकाश की ओर ले चलता है जो प्रकाश अंतर को प्रकाशित करके विश्व को प्रकाशित करने में मदद करता है। ऐसे ही हैं पद्मश्री डॉक्टर रानी बांगजे, जो कि महाराष्ट्र में बहुत सुंदर समाज कल्याण के कार्य में जुड़ी हुई हैं। आज वो अपने सुंदर अनुभव लेकर के हम सबके साथ विशिष्ट जन की बातें विशेष में हैं। आइए सुनते हैं। बहुत विरोध हुआ। मेरे पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको तो पहली बात यही पसंद नहीं आ रही थी कि मैं अलग कास्ट में शादी कर रही हूँ, फिर देहात में रहने की बात करती हो जी। मेरे कुछ मुद्दे थे जो उनके लिए हजम करना बहुत कठिन था जी। एक तो मेरा मानना था कि बहुत सिंपल तरीके से हमारी शादी हो, क्योंकि अमीर लोग जैसा करते हैं वैसे ही गरीब लोग पैसा खर्चा करते हैं शादी में और कर्जा लेना पड़ता है उन्हें। हम दोनों ने तय किया कि महात्मा गांधी और काका साहेब कालेलकर ने उस समय आश्रम के बच्चों के लिए जो शादी की रस्म बनाई थी, सिर्फ सप्तपदी थी उसमें जी जी, तो वही हम लोग करेंगे। फिर मैंने उनको कहा कि मैं कन्यादान नहीं होने दूंगी, और मेरे माँ पिताजी को बहुत डिफिकल्टी थी वो हजम करने में। मैंने कहा कि आप लोग भूदान करते हैं, सुवर्ण दान, गोदान करते हैं, मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ कि मुझे आप किसी को दान करेंगे, तो मैंने कन्यादान विधि नहीं होने दिया जी। और दूसरी बात पे मैं बहुत पक्की थी और अभय ने मुझे उसमें साथ दिया कि मैं मंगलसूत्र और टोरिंग्स रहते हैं वो मैं नहीं पहनूंगी, क्योंकि पति के देहांत के बाद में पत्नी का ये सब निकाला जाता है। तो मैंने अभय से शादी के पहले पूछा था कि यदि मैं पहले मर गई तो शादी के समय तुम कुछ ऐसा पहनोगे क्या कि वो तुम निकाल दोगे बाद में? अभय ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगा। तो फिर मैंने कहा मैं भी नहीं पहनूंगी। वो उनके लिए बहुत बहुत कठिन बात थी कि व्हाट इज द सैंक्टिटी टू मैरिज, मंगलसूत्र नहीं। तो शुरू में तो काफी उन लोगों को अजीब लगता था पूरा जी, जी। पर बाद में जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मैं खुश हूँ और मैं जिस तरह का काम करती हूँ वो भी खुश हो गए। मित्रों, कहते हैं कि इंसान तो हर जगह पैदा हो रहा है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो रही है, और इंसानियत की ही वास्तव में ज़रूरत है। हम जानते और मानते भी हैं कि यदि इंसानियत है तभी समाज में खूबसूरती है, तभी समाज एक ऐसा समाज है जहां सुख, शांति, आनंद और अपनत्व है। यदि इंसानियत नहीं
केवल अपनेपन की भावना है, स्वार्थ है, तो फिर वहाँ रहना दुभर हो जाता है और वहाँ हमें कष्ट का एहसास होता है। लेकिन ये सुंदर बातें कब व्यक्ति के अंदर डाली जाएं? बचपन एक ऐसा समय है जबकि सुंदर संस्कारों का बीजारोपण किया जा सकता है और वही पुष्पित पल्लवित होते हैं और समाज में हमें अच्छे इंसान देखने को मिलते हैं। और यही कार्य ब्रह्म कुमारियाँ बखूबी कर रही हैं, न केवल बड़ों की लेकिन छोटे बच्चों के अंदर सुसंस्कार डालने की। ऐसा एक सुंदर समर कैंप आयोजित किया गया मुंबई के विले पार्ले सेवा केंद्र पे, जहां बच्चों से पौधारोपण भी कराया गया तो साथ ही अपने पेरेंट्स के प्रति कैसे सम्मान का भाव रखा जा सकता है ये भी सिखाया गया। आइए देखते हैं। मुंबई विले पार्ले के विराज कैंपस की ब्रह्मा कुमारिस द्वारा 2 से 8 मई को बच्चों के सर्वांगिक विकास के लिए समर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 7 से 13 आयु वर्ग के 80 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। इस कैंप के अंतर्गत ध्यान, योगासन, जीवन में मूल्य, आध्यात्मिक खेल, ड्राइंग प्रतियोगिता और वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सत्र रखे गए। वृक्षारोपण के दिन सभी ने पौधे लगाए और प्रकृति हमारे जीवन की बुनियाद है, इस बात का एहसास करते हुए सभी बच्चों ने प्रकृति के प्रति आभार भी व्यक्त किया। वहीं बच्चों को रियल हीरोज की परिभाषा बताते हुए अब्दुल कलाम जी, शिवाजी महाराज, दादी जानकी और सिंधुताई जैसे विभूतियों की पहचान करवाई गई। साथ ही उन्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान देकर रचनात्मक तरीके से ध्यान भी सिखाया गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पुणे से PSI अरविंद गीते और VAP इंडस्ट्रीज के मालिक अमर सिंह पधारे। मदर्स डे पर सभी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा माता पिता के प्रति अपनी भावनाओं को साझा किया। बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा भी की। अंत में बच्चों को उपहार और प्रमाण पत्र देकर समर कैंप का समापन हुआ। मित्रों, कहते हैं कि सुंदरता की कमी को अच्छे स्वभाव से पूरा किया जा सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। आध्यात्म ही वो माध्यम है जो अंदर से हमें खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है। बाह्य रूप से भले हम सुंदर हो ना हो, लेकिन अंदर से यदि अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार की खूबसूरती हमारे अंदर आ गई तो फिर हम सचमुच संसार में चमकने लगते हैं। और यही हमने इन बच्चों में भी देखा कि कैसे वो बाह्य रूप से अच्छे रूप से प्रगति करते हुए मेडिटेशन भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ सुंदर संस्कारों से भी सज रहे हैं। तो मित्रों, हम भी एक संकल्प जरूर लें अपने जीवन में कि अंदर से अपने आप को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाते चलना है, फिर बाह्य सुंदरता गौड़ हो जाती है। फिर हम अमीर हैं या गरीब या किस पद पोजीशन में हैं, वो सब गौड़ हो जाते हैं, केवल आपका व्यक्तित्व एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर करके सामने आता है और सभी के आप प्यारे बन जाते हैं। और हमारी यही कामना है कि आप सभी का प्यार पाएं, एक ऐसे आदर्श इंसान बन जाएं जिसकी ओर सभी बहुत सम्मान से, इज्जत से देखें। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।